स्विम स्वैपिंग के जरिए ठगी का नया तरीका सामने आ रहा है। लोगों के स्विम माफ कीजिए लोगों की जो सिम है वो स्वैप करके बैंक अकाउंट्स खाली कर लेने के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें एक कारोबारी के खाते से तो 2 करोड़ की रकम को साफ कर दिया गया। कोलकाता के एक ठग ने ये इस वारदात को अंजाम दिया है। मोडस ऑपरेंडी क्या है, फ्रॉड के इस नए तरीके को और अच्छी तरीके से समझते हैं हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा हमारे साथ है। सुबोध, हमेशा ठग जो है वो नए नए ठगी के तरीके निकालकर सामने लाते हैं, इस बार तो पैसों की पर जालसाजों की नजर सिम स्वैपिंग के जरिए है। क्या ये तरीका है, कैसे लोग इसे बच सकते हैं, मोडस ऑपरेंडी कैसी है इनकी? सबसे पहले तो साथी मैं ये बताऊंगा कि जो ये ठग जिसको मुंबई की साइबर क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया आसाम से, ये 12th फेल है। मतलब आप समझिए कि 12वीं फेल जो आदमी वो कितना शातिर था कि उसने आसाम में बैठे बैठे वहां से मुंबई के एक बड़े कारोबारी का सीधे सीधे सिम जो है वो ब्लॉक करता है और उसे स्वैप करके अपना एक नंबर शुरू करके और उसके अकाउंट से पूरा पैसा निकाल देता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मोडस ऑपरेंडी इसकी किस तरह की थी। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने जो ये ठग था इसने सबसे पहले किसी तरह से डाटा से एक जो वेरिएबल डाटा होता है वहां से इस बिजनेसमैन का जो नंबर है वो नंबर कहीं से इसने इसको मिला कहीं से डाटा से वो नंबर इसने लेकर के पहले इसको जो है ब्लॉक किया। ब्लॉक इसने उस वक्त किया जिस वक्त आदमी नॉर्मली सोचता है कि कुछ हुआ गया, मतलब रात के करीब ये 8 से 9 बजे के आसपास का ये ब्लॉक किया हुआ नंबर था। तो बिजनेसमैन को भी ये लगा कि शायद ये कोई एक नॉर्मल एक प्रक्रिया होगी, किसी वजह से ब्लॉक हुआ होगा। उसके बाद इसने उस नंबर को स्वैप किया, सिम जो स्वैपिंग का मतलब ये है कि उसने वो नंबर दूसरे सिम में लेकर के उस सिम के जरिए इसने इस नंबर को एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करके उनके तकरीबन अलग अलग कंपनी के 6 अकाउंट थे जो उस मोबाइल से अपलिंक थे, उन अकाउंट के इंटरनेट बैंकिंग में गया और नेट बैंकिंग में जाकर के उसने तकरीबन 1,70,00,000 से भी ज्यादा का रकम है निकाल करके 15 अलग अलग जो अकाउंट है वहां पर जमा किया। और इतना वो शातिर था कि उसको पता था कि एक ही जगह अकाउंट में जमा करेंगे तो शक हो सकता है, इसलिए उसने ये किया। अब पुलिस ये पता कर रही है कि क्या ये वाकई अकेला है कि इसके अलावा और भी है, क्योंकि जिस तरह से इस ये अंजाम हुआ इस पूरे क्राइम में तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक ग्रोह इसके पीछे हो सकता है। तो ये एक नई तरह की तकनीकी जो है साइबर जो क्रिमिनल है वो अपना रहे हैं कि किस तरह से कहीं से भी बैठ करके किसी के सिम को ब्लॉक करना और ब्लॉक करने के बाद उसका स्वैप करके उसके नंबर को यूज करना। इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जो मुंबई पुलिस ने ये बताया सावधानी कि कोई भी अपनी जो बैंक की डिटेल्स है वो 2 लेयर्स जो है उसकी जो प्राइवेसी जो होती है वो उसको 2 लेयर सिक्योरिटी में बदले, जिससे कोई भी आदमी इतनी आसानी से जो हैकिंग है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट आया ये बहुत आसानी से हुआ, तो कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में इतनी आसानी से ना घुस पाए। और जैसे ही अगर आपका ब्लॉक होता है सिम तो तुरंत सबसे पहले आप अपने अकाउंट जो है उनको फ्रीज कराएं, उनको बंद कराएं, उस मोबाइल का जो अपलिंक है उसको हटाएं और उसके बाद अकाउंट जो बैंक है उनको बताने के बाद आगे की कार्रवाई करें और तुरंत इसकी शिकायत जो है वो मुंबई पुलिस को या जो भी संबंधी जो पुलिस है उसको करें। जी।